मैं इतना ही कहूंगा कि मेरी डॉक्टर धर्मेंद्र जी से उनको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद एंड आई एम श्योर ये ऐसा नेक काम आगे करते रहेंगे और सबको उत्साहित करते रहेंगे। एक शेर लिखना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो, ये एक्चुअली होना इनके चाहिए तो मैं अपने लिए बोल रहा हूं। दिल की हस्ती बिखर गई होती, रूह के जख्म भर गए होते, जिंदगी आपकी नवाजिश है वरना हम कब के मर गए। वाह क्या बात है। वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्म दिवस है जो 31 अक्टूबर को आ रहा है, तो मतलब वहाँ जो डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी जो बहुत बड़ा प्रोग्राम रखने वाले हैं, शायद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है, वो कोशिश करेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर मतलब उस कैंप में आए, और वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला जो ये कैंप है, इस कैंप में प्रधानमंत्री भी अगर आते तो बहुत अच्छी बात है, और एक बहुत ही अच्छी सेवा करने का काम ये संस्था कर रही है, इसीलिए मैं इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ। आर के एक्सलेंस नेशनल अवार्ड जो छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव से एक प्रॉमिसिंग लीडर के रूप में मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धर्मेंद्र जी को, उनकी इंटायर पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और स्वाभाविक तौर पर इससे मेरा वास्तविक जो मनोबल है वो निश्चित तौर पर मेरा बढ़ा है। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र को और इस संस्था को, आर के एक्सीलेंस इस संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिनकी इनकी मेहनत और एक बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। मैंने आज इनको इनवाइट किया है कि ये उत्तर प्रदेश में भी आवें और देश के हर कोने में, ये बहुत अच्छा काम है। मेडिकल एड जो बहुत पीछे चल रहा है आज देश में, और इनकी मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, इन्होंने इतना जिससे ये दिन दूनी रात चौगनी इनकी ख्याति बढ़े, हमारी बहुत शुभकामनाएं इस संस्था को है। भारत का ये आर के एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की तरफ से 13th आर के एक्सलेंस नेशनल अवार्ड था, ये उन लोगों को दिया गया जो कि आज आप लोगों ने देखा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आर के एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का नाम गया। उन लोगों का स्पेशल सपोर्ट होने के कारण से आज हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, जो कि हम लोग इतने लाखों की तादाद में पेशेंट देखते हैं, करोड़ों की हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं और लाखों का करोड़ों का हम जो मेडिसिन देते हैं, तो कहीं ना कहीं अकेले किसी के बस की बात नहीं होती है, इसके लिए टीम की ज़रूरत लगती है। उन्हीं टीम में से एक इन लोग थे जिसके चलते इन लोगों के सपोर्ट से आज आर के एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की टीम आज इतनी बड़ी मुकम्मल मेडिकल कैम करने में और इतनी बड़े रूप से कार्य करने में अपने आप को सार्थक किए हुए। तो उन लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए आर के एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की टीम ने आज से 13 साल पहले ये डिसाइड की कि उन लोगों को जिनका एक सपोर्ट रहता है, उनको इस मेडिकल कैंप में सपोर्ट करने वाले को और हमारी संस्था को सपोर्ट करने वाले को हर साल उनको एक अवार्ड के तरीके से उनको दे करके उनको और भी इनको बूस्टअप करने के लिए, इनकरेज करने के लिए उनको हमारा एक सालाना अवार्ड होता है जिसको आर के एक्सलेंस नेशनल अवार्ड बोलते हैं, जो ये 13वां अवार्ड था जिसमें तकरीबन 40 लोगों को अवार्ड दे करके और हमने उनकी हौसला अफजाई करने में एक बहुत बड़ा एक सम्मान। और हम तो गरीब नवाज की बारगाह में भी यही दुआ करते हैं कि जिस तरह से ये बीड़ा उठाया, जहाँ जहाँ मुल्क के अंदर जिस जिस स्टेट में हर गाँव के अंदर इस तरह का कैंप लगाए जाए और लोगों को फैस मिलता है।